यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि विद्यालय हमें सुख और दुख में समान रहने की प्रेरणा देता है, क्योंकि हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम जिंदगी में किसी को मत बताना, क्योंकि लोग हद से ज्यादा खुशी को नजर और हद से ज्यादा गम को नमक जरूर लगाते हैं। और विद्यालय हमें ये भी सिखाता है कि जिसके नसीब ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी जबरदस्त होता है। तो बचपन से ये सिखाया जाता है कि माता पिता और गुरु की कदर करो तो इज्जत भी मिलेगी और दौलत भी मिलेगी। कदर करो माता पिता और गुरु की तो भगवान चाहेगा तो जन्नत भी मिलेगी। और भोपाल शहर एक ऐतिहासिक शहर है, जहाँ हमारे जो नौवे राष्ट्रपति थे शंकर शर्मा जी, दया शर्मा जी और हमारे जया बच्चन जी और जावेद अख्तर जी, तो ऐसे महान लोगों के जन्मस्थली के दर्शन करना मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ। और ये शहर जिंदा दिली और दरिया दिली का दूसरा नाम है, क्योंकि 84 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी ने कितने और कैसे झटके दिए ये पता नहीं, पर यहाँ के जिंदा दिल और दरिया दिल लोगों ने फिर से उठकर खड़े होकर बता दिया कि भोपाल के निवासी कमजोर नहीं बल्कि सूरमा है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट कर भी जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया समुन्द्र में, पर कभी कोई समुंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। तो भोपाल निवासियों की एक खास खूबी देखी है कि यहाँ के लोग मानते हैं कि किसी से उम्मीद किए बिना ही उसका अच्छा करो, क्योंकि जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथों में अक्सर खुशबू रह जाती है। तो आज इस साहसी नगरी से हम जुड़ गए हैं और आप लोगों ने हमारा साथ दिया है, तो हम छुड़ाना भी चाहे तो छूटे नहीं। एक रिश्ता जो बन गया है आप सबसे, वो आखिरी सांस तक टूटे नहीं, ये मैं कामना करती हूँ। और यहाँ पर आकर हमने ये सीखा है कि सत्य को बोलने के लिए किसी वचन की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पद की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों पर, उन्हें अपने मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। और ऐसे आदरणीय सज्जन विश्वास सारंग जी को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरे पिता कहते हैं कि खरीद सकते उन्हें तो अपनी जिंदगी बेच कर भी खरीद लेंगे, पर अफसोस है कि कुछ लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं। तो ऐसे लोगों में से ही हमारे कौशल राय अंकल, अंकल का कहना है कि छू ले आसमां जमीन की तलाश न कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। और मैं हमेशा कहती हूँ माता पिता भगवान से बड़े होते हैं, क्योंकि भगवान सुख दुख दोनों देता है, लेकिन माता पिता हमें हमेशा सुख देते हैं। तो ऐसे माता पिता के घर जन्म लेना मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो अच्छे दोस्त हैं वो एक सफ़ेद रंग के समान होते हैं, क्योंकि सफ़ेद में कोई भी रंग मिलाने पर एक नया रंग बन सकता है, पर दुनिया के सारे रंग मिलाकर भी सफ़ेद रंग नहीं बन सकता। तो ऐसे दोस्तों को आज इकट्ठा करके सम्मान प्रदान करने वाली इस संस्था का मैं दिल की गहराइयों से नमन करती हूँ। और हमारे माता पिता हमें बचपन में शहजादों की तरह पालते हैं, और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें बादशाहों की तरह रखें। तो मेरे माता पिता कहते हैं कि देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान जरूरी है। आज हम नैना जायसवाल हैं, और सफलता का एक ही रहस्य है कि जहां प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है ना, वहां किस्मत को भी झुकना पड़ता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप अपने आप पर विश्वास रखें, क्योंकि कोयल अपनी भाषा बोलती है तो वो जिंदगी भर आजाद रहती है, और तोता दूसरों की भाषा बोलता है इसलिए जिंदगी भर गुलाम रहता है।
अपनी भाषा अपनी विचार और अपने आप पर भरोसा रखें। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि खुशियाँ मिलती नहीं मानने से, मंजिल मिलती नहीं राह पर रुक जाने से। भरोसा रखो खुद पे और उस ईश्वर पे, क्योंकि सब कुछ देता है वो सही वक्त आने पे। तो ये वक्त आसीन हुआ है और सब आप सब बधाई के पात्र हैं। तो सभी आयोजकों को और यहाँ पर पधारे प्रतिभावान छात्रों का मैं दिल की गहराइयों से बधाई देती हूँ। और कल्चरी सेना ने जो वार्ड 44 है, तो इसी एक रीजन से इस कार्य की शुरुआत की है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि समय, सेहत और संबंध अनमोल है। समय को सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो समय आपको सही रास्ते पर ले जाएगा, और सेहत को समय अनुसार व्यायाम करते रहो तो तकदीर तुम्हारी होगी और आप मुकद्दर के सिकंदर बन जाओगे। वरना सारी दुनिया जीत कर भी हो हार जाओगे। अगर मैं ये भी कुछ कहना चाहती हूँ कि समाज में अपनों से संबंध इतना मजबूत रखो कि लोग आपकी मिसाल दें और आप सबकी आंखों के तारे बनकर जगमगाओगे। तो मैं बुलंद आवाज में कहती हूँ कि जहाँ दोस्ती याद न आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बने वो खुदाई किस काम की। बेशक अपनी मंजिल तक जाना है, पर जहाँ से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। और मैं ये भी कहती हूँ कि सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो भी है मन में वो सपने ना तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगे मुश्किलें आपको, बस तारे चुनने के लिए कभी जमीन ना छोड़ना। और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो एक सफल इंसान बनना चाहते हैं तो मैं कहती हूँ कि संगठन स्थापित करो, विशाल हृदय रखो, सहनशील बनो, जल्दी उठो, समय का सदुपयोग करो, कार्य का ध्यान करो और निरंतर प्रयास करो। फिर देखना वफादारी का दूसरा नाम आपका ही होगा। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो जी लेते हैं सभी, पर जिंदगी जियो तो ऐसी कि सबके लिए मिसाल बन जाए। और नित्य अभ्यास और गुरु भक्ति करना, आप जरूर कामयाब हो जाओगे। आज आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत की है और मैं आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ये कहते हुए गर्वित महसूस करती हूँ कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, मंजिल के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। मैंने अपने हार और जीत में, सुख और दुख में हर पल अपनी माँ को पुकारा है, और मेरे माता पिता मुझे सब कुछ हार कर भी जीतना सिखाया है। तो ऐसे माता पिता के घर जन्म लेना मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ। और वो मुझे हमेशा समझाते हैं कि निराश मत होना बेटा, क्योंकि कमजोर तुम नहीं वक्त है, बस प्रयासरत बने रहो। और वक्त की फितरत है कि कभी वक्त एक जैसा नहीं होता। तो मेरे माता पिता का कहना है कि जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जहां उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान तो आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो इसी इरादे से मैंने सरजमीन पाकिस्तान में हमारा तिरंगा लहराया, और मैं कहूंगी कि कसम भारत माता की, ऐसा मजा मैंने कभी नहीं पाया। और भारत माता की, भारत माता की। मैं जानती हूँ कि जिंदगी दूसरा मौका नहीं देती और अनजान को पना भी नहीं देती, लेकिन हमारे विश्वास सारंग जी ने तो कई लोगों को पनाह तो दी है और साथ ही साथ पहचान भी दी है। तो वो आज हमारे बीच है, हम सब के लिए बहुत बहुत खुश नसीबी की बात है। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको तब से बोल रही थी, आप लोग क्लैप्स मार रहे थे, पर मैं चाहती हूँ आप और जोर से मारे, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, मैं वो भी आपको अभी बताऊंगी। एक बार क्लैप्स मारे तो मैं बताऊंगी। सुनने के लिए तैयार है आप लोग? क्लैप्स आर फैट फ्री, शुगर फ्री, टैक्स फ्री और GST भी नहीं है। एंड इट रिलीव्स पेन, ब्लड प्रेशर कम करता है।
तो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ऑलवेज कीप क्लैपिंग एंड लाफिंग, तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए. तो फाइनली मैं ये कहना चाहूंगी कि दिन बदलेगा, वक्त बदलेगा, तख्त बदलेगा, ताज बदलेगा, जुल्म बढ़ जाता है तब हर चेहरे का नकाब बदलेगा. मत हौसला हार हिंद के सिपाही, जिस दिन तेरा सोया हुआ इंसान जागेगा, उस दिन हिंदुस्तान तो क्या पूरा जहां बदलेगा.